सरोकार। देश आज कारगिल विजय दिवस की 23वीं वर्षगांठ मना रहा है। करीब 2 महीने चले युद्ध में आज ही के दिन भारत ने पाकिस्तान को हराया था। दिल्ली के ईडी मुख्यालय में सोनिया गांधी की पेशी आज। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया से होगी पूछताछ। कांग्रेस मुख्यालय के आसपास बढ़ाई गई सुरक्षा। पार्थ चटर्जी एम्स से कोतवाली के लिए रवाना। ईडी ने बीमारी को बताया नाटक। 3 अगस्त तक मंत्री अर्पिता रहेंगे रिमांड पर। अखिलेश यादव राष्ट्रपति चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग पर आज करेंगे बैठक। क्रॉस वोटिंग करने वालों के खिलाफ ले सकते हैं बड़ा फैसला। पहाड़ से मैदान तक कुदरत का क्रोध। राजस्थान के कई शहरों में हाहाकार तो जम्मू कश्मीर में नदियों में फंसे लोग। नमस्कार, मैं उत्तरश्ला यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की खास खबरों का। देश में आज कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर देश के लिए कुर्बानी देने वाले वीर सपूतों के शौर्य को याद किया जा रहा है। हर साल 26 जुलाई को कारगिल जंग में अपने प्राणों की आहुति देने वाले सैनिकों को सम्मानित करने और जंग में जीत के उपलक्ष्य में विजय दिवस के तौर पर मनाया जाता है। ये दिन ऑपरेशन विजय की सफलता का प्रतीक माना जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध से जुलाई 1999 तक चला था। ऑपरेशन विजय के जरिए भारत के जाबाज सैनिकों ने कारगिल द्रास क्षेत्र में पाकिस्तानी हमलावरों द्वारा कब्जा किए गए क्षेत्रों को फिर से वापस प्राप्त कर लिया था। रामपुर में सपा नेता आजम खां को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने आजम के बेटे अब्दुल्ला आजम के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिका पर सुनवाई की कोई वजह नजर नहीं आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट में सबूतों के आधार पर सुनवाई आगे बढ़नी चाहिए। गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा सराहनीय कार्य किया जा रहा है। जगह जगह पर अधिकारियों द्वारा कावड़ियों का स्वागत किया जा रहा है। वहीं पर कहीं फूल बरसे तो कहीं फल बांटे गए और कावड़ियों की सुरक्षा और जरूरी खाने पीने की सेवाओं का ध्यान रखा जा रहा है। इसी के साथ मुस्लिम समाज के लोगों ने भी कावड़ियों का स्वागत किया। कावड़ियों को गोद में उठाकर हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। फतेहपुर जिले में शासन द्वारा जिले में 2 नए नगर पंचायत की घोषणा के बाद आम जनता में खुशी का माहौल देखा गया है। वही क्षेत्रीय विधायक का जनता और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर जोरदार स्वागत किया। स्वागत कार्यक्रम के बाद जनता और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तराजू में एक और विधायक को बैठाए हुए और एक तरफ सिक्का रखकर तौलते हुए आभार प्रकट किया। गाजीपुर में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद दौरे पर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने जिला पंचायत सभागार में फूलन देवी का माल्यार्पण किया और उसके बाद पत्रकारों से बातचीत में अपने विभाग की उपलब्धियां बताई। संजय निषाद सरकार में मत्स्य पालन मंत्री हैं। पिछली सरकारों ने नीतियां अंग्रेजों के तरह बनाकर छीन लिया था। मोदी जी को धन्यवाद दूंगा कि उनकी एक सोच आई कि जब गाँव में ताल नदी और पोखरे जिंदा थे भरे थे तब इनका स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों सही था। तो फिर से इनके ताल अमृत सरोवर के माध्यम से खुद रहे हैं और इनके जो ताल इनको अनुदान देकर ये अगर अपने खेतों में महिला के नाम से अपनी जमीन अपनी महिला को लाके किराए पर लिख के 10,000 लेके संदेश देना चाहते हैं कि मोदी जी योगी जी को अमित शाह जी को गंटा साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ। देश मछुआ समुदाय का 70 साल से सभी पार्टियों ने वोट लिया, सबने इनका यूज किया, किसी ने इनको एक पैसे नहीं दिया था। धन्यवाद दूंगा भारतीय जनता पार्टी को, उन्होंने मत्स्य मंत्रालय दिल्ली में अलग किया। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और नीली क्रांति के नाम पर हमारे इस मछुआ समुदाय जल पर आश्रित लोगों को 20,000 करोड़ रुपए का अनुदान किया। 9,000 करोड़ का इनलैंड का और 11,000 कोस्टल मतलब समुद्री क्षेत्रों। गाजियाबाद में खोड़ा शिव शक्ति कावड़ सेवा समिति द्वारा लगातार 13 वर्षों से गौर ग्रीन एवेन्यू
के सामने नहर की पटरी पर हरिद्वार से पैदल यात्रा कर कांवड़ लेकर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए शिविर का आयोजन किया जाता है। समिति के अध्यक्ष अनिल कुमार गोयल ने बताया कि भगवान शिव की पैदल कांवड़ यात्रा को लेकर आने वाले श्रद्धालुओं के भक्ति भाव को देखते हुए शिव शक्ति कांवड़ सेवा समिति का गठन 2008 में किया गया था। समिति में 14 सदस्य मौजूद है। इस साल 18 जुलाई को 26 जुलाई तक शिविर लगाया जा रहा है। हम मौजूद हैं गाजियाबाद के एक ऐसे शिविर में जो पिछले 13 वर्षों से कांवड़ शिविर लगा रहे हैं और साथ ही भोलों की सेवा की जा रही है। बात की जाए शिव शक्ति कांवड़ सेवा समिति की बात कर रहे हैं और उनके अध्यक्ष हैं जो कर्ता धर्ता हैं जो पूरे इस पूरे शिविर को किस तरह से संचालन करते हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर क्या नाम होगा आपका? अरविंद कुमार गुप्ता। अरविंद जी ये बताइए कि ये सेवा समिति कितने सालों से चल रही है और किस तरह की व्यवस्था रहती है? ये लगभग जी 17-18 सालों से समिति चल रही है, शिविर चल रहा है यहाँ पर और यहाँ पर सभी तरह की व्यवस्था है, खाने पीने की व्यवस्था है, यहाँ पर रहने की भोलों को ठहरने की व्यवस्था है, चिकित्सा सुविधाएं हैं और नहाने धोने की व्यवस्था और इस तरीके की सारी व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर। जैसे कि ये पूरी व्यवस्था जो है कि आपको किस तरह से मतलब सहयोग से होती है कि आपका खुद का इसमें सहयोग पूरा रहता है? ये कमेटी है यहाँ की, उसके सहयोग से होती है, कमेटी के सहयोग से। कितने मेंबर कमेटी से? यहाँ पर 8-10 मेंबर हैं जी, 10 मेंबर हैं यहाँ पर, उन्हीं के सहयोग से होती है। जैसा कि बताया जाता है कि ये आखिरी शिविर से है, जिस तरह से गाजियाबाद का ये आखिरी शिविर है तो भोले यहाँ पर काफ़ी भीड़ भी इकट्ठा होती है, किस तरह से मैनेजमेंट किया जाता है भोले भक्तों को? भोले भक्तों का यहाँ पर कमेटी की तरफ से और शासन प्रशासन की तरफ से व्यवस्था की जाती है यहाँ पर उन्हें संभालने के लिए, रुकने के लिए, और अच्छी व्यवस्था दी जाती है हमारी तरफ से। वॉलेंटियर खड़े किए जाते हैं यहाँ पर जिससे कि भोलों को आने में किसी भी तरह की परेशानी ना हो। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से इन्होंने बताया कि जिस तरह से जो भोले भक्त हैं या भीड़ बढ़ जाती है तो किसी ना किसी तरीके से, तो यहाँ पर जो प्रशासन शासन की पूरी व्यवस्था रहती है, साथ ही मेडिकल सुविधाएं जो हैं, क्योंकि भोले जो भक्त हैं वहाँ से चलकर पैदल आते हैं, उनके पैरों में छाले पड़ जाते हैं तो उनके लिए ट्रीटमेंट के लिए पूरी व्यवस्था की जाती है। गाजियाबाद से प्रवीण मिश्रा, प्राइम टीवी के लिए। बदायूं के थाना फैजगंज बेहटा क्षेत्र में हरिद्वार जल भरने जा रहे कांवड़ियों को कुछ लोगों ने बंधक बनाकर जमकर पीटा है और बदतमीजी भी की है। वहीं कांवड़ियों का आरोप है कि लोगों ने उनसे मोबाइल और रुपए भी लूट लिए गए। तो हम यहाँ से गए थे तो अपने गांव कपड़े उठाने गए थे, कपड़े उठा के हम बाग से गंगोली होते हुए निकल रहे थे, गंगोली होते हुए निकल रहे थे तो एक लड़का मतलब खड़ा था गंगोली का, बदन सिंह प्रधान मौजूदा है, उनका लड़का था। तो बीच रोड पे बाइक खड़ी थी उसकी, तो वो टॉयलेट कर रहा था वहाँ पे बीच रोड पर बाइक खड़ी करके, हमने उसकी गाड़ी बचा के मतलब अपनी गाड़ी निकाल ली। उसके बाद वो वहाँ से आते हमारे पीछे मतलब पीछे लगाने स्टार्ट कर दी गाड़ी उसने। प्रयागराज में मांडा थाना क्षेत्र में धान की रोपाई करते समय आकाशीय बिजली की चपेट में आकर पत्नी की मौत हो गई और पति गंभीर रूप से झुलस गए। इसके साथ ही बारा थाना क्षेत्र के पिपराव गांव में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से नवविवाहिता की मौत हो गई। लहना लगाने लगा खेत में, वही पानी बरसने लगा, लपका लप के बाद फिर बैठे थे लोग, आकाशीय बिजली गिरी बगल में, जैसे इनको झटका लग गया है। तो डॉक्टर ने क्या बताया, कंडीशन क्या बताया? डॉक्टर अब देखे हैं ना, वो लिख के ले गए हैं, बताए हैं कुत्तम में। जो घायल है उनका क्या नाम है? आकाशी जमुना प्रसाद। आपके क्या लगते हैं भाई, आपका क्या? जनपद अलीगढ़ के गांधी पार्क थाना इलाके में विकास नगर गली नंबर 1 में जमीन को लेकर दो भाइयों में विवाद हुआ था, जिसके बाद एक भाई के सर पर खून सवार हो गया और उसने जमीन के खातिर अपने बुजुर्ग माँ बाप के साथ भतीजे के हथौड़े से कूच कर हत्या कर दी। फिलहाल आरोपी ने खुद को थाने में सरेंडर कर दिया। SSP मौके पर भाली पुलिस बल के साथ पहुंचे और तीनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आए यहाँ पर सब्जी लेके सर लगभग आधा पौन घंटे बाद आए, ये यही था मेरा भी यही था। तो मैं तो ये सोच रहा था शायद मम्मी पापा कहीं गए होंगे बाहर, तो बहुत देर के बाद नहीं आए। तो इसके बाद मेरी छोटी वाली लाली इसी के पास खेल रही थी सुबह से,
इधर बैठ जा कर अभी बच्चों का तो इधर रहे कहीं ना कहीं तो कौन भूखेगा कौन। तो फिर मैं तो अपने जिम चला गया सर, शाम को मैं सो गए थे बच्चे बच्चों को पढ़ाए तो मुझे ये भी नहीं मालूम था क्या घटना हो चुकी है सर। युवक जो कि 22 वर्ष का है तथा विकास नगर में रहता है जो कि थाना गांधी पार्क क्षेत्र में पड़ता है, आज देर शाम ये खुद ही थाने पर पहुंचा है और इसने बताया कि इसने घर पर मौजूद ईंट एवं हथौड़े से अपने माता पिता की हत्या कर ली है। इसके पिता रिटायर्ड कर्मचारी बताए जा रहे हैं, ये भी बताया गया है कि वो रिटायर्ड एडीओ पंचायत हैं। इस संबंध इस तथ्य को तस्दीक किया जा रहा है, मौके पर फील्ड विंड बता दी गई है। प्रथम दृष्टया पूछे जाने पर इसने पारिवारिक विवाद एवं पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे को इस घटना को कारित करने का मुख्य कारण बताया। गोरखपुर के गोरखनाथ थाना क्षेत्र के नकपलपुर में हिस्ट्री शीटर मिराजुल हक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक हमलावरों ने 5 लूम डंडे से पिटाई की थी। हमलावरों ने उसके सर पर डंडे से वार किया और जिससे हिस्ट्री शीटर गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौजूद लोगों की मदद से उसे बीआरडी मेडिकल कॉलेज ले गए लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। थाना गोरखनाथ क्षेत्र में 4 बजे के आसपास सूचना मिली कि एक व्यक्ति जो अपने घर से निकल के जा रहा था, घर से थोड़ी दूर पर 5 अज्ञात लोगों द्वारा उस पर हमला किया गया। उसको लाठी डंडों से उसके सिर पे वार किया गया, उसकी वजह से उसको रेफर किया गया मेडिकल कॉलेज जहां पे उसको मृत घोषित कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि ये व्यक्ति मिराजुल हक नाम से हिस्ट्री शीटर है और इस पर कई प्रकार के मुकदमे थाना गोरखनाथ में दर्ज हैं एवं इसके परिजनों से बात कर पता लगाया जा रहा है कि किसी प्रकार की रंजिश तो नहीं है एवं आसपास में जितने भी सीसीटीवी हैं उन सबको खंगाला जा रहा है एवं 3 टीमें लगाकर जल्द ही इस घटना। गाजियाबाद के थाना साहिबाबाद क्षेत्र के हिंडन चौकी क्षेत्र में एक कांवड़िया की करंट लगने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक फोन चार्ज करते वक्त करंट लगा था। मृतक की पहचान विक्की कोहली की शक्ल में की गई है। बताया जा रहा है वो अपने सगे भाई के साथ हरिद्वार से गंगा जल लेकर आ रहा था। विक्की कोहली पुरानी सीमापुर दिल्ली का रहने वाला है। मेरा नाम सुब्रत विश्वास, मैं इस पुल पे हिंडन पुल पे काम कर रहा हूँ, सुपरवाइजर हूँ। तो यहाँ पे मैं वहाँ पर अंदर ही काम कर रहा था तभी यहाँ पे सुनने में आया कि करंट लगा एक भोले को, तो भोले को ले गया हॉस्पिटल में। उसके बाद सुनने में आया कि उनकी डेथ हो गई है। अच्छा, तो कैसे कुछ पता लगा करंट लगा कैसे? करंट कैसे लगा मुझे पता नहीं है, मैं सुनने में आया कि यहाँ डीजे उजे लगा था। कैसे वो नहाने गया था, नहाने के बाद आके वो चार्ज लगाने गए मोबाइल, तभी उनको करंट लगा। कैसे लगा देखा नहीं हमने। खास खबरों में इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी।